नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। राज्य सरकार द्वारा आज राज्य के 17 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसके तहत अमरावती जिला परिषद के अविशांत पंडा का नागपुर में टेक्सटाइल कमिश्नर के पद पर तबादला किया गया। वहीं उनके स्थान पर संजीता मोहपात्रा अमरावती जिला परिषद की नई CEO होंगी। इसके साथ ही आज राज्य के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के भी तबादले व पदोन्नति के आदेश जारी हुए, जिसके तहत अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी का IG रैंक पर प्रमोशन किया गया। CP रेड्डी फिलहाल प्रमोशन के साथ अमरावती शहर पुलिस आयुक्त पद पर ही बने रहेंगे। वही अमरावती रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर जयंत नितनौरे का भी अमरावती से तबादला किया गया है और उनके स्थान पर पुणे के अपर पुलिस आयुक्त RL पोखले को अमरावती रेंज पुलिस के नए IG के तौर पर प्रमोशन पर भेजा गया है। इसके अलावा विगत लंबे समय से अमरावती शहर व ग्रामीण पुलिस में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे ग्रामीण पुलिस महकमे के अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम साड़ी का ADIG पद पर मुंबई में तबादला किया गया है तथा उनके स्थान पर पंकज कुमावत को ग्रामीण पुलिस के नए ASP के तौर पर अमरावती भेजा जा रहा है। शोभा नगर निवासी 26 वर्षीय पंकज गोकुल श्रीराम की हत्या के मामले में स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने सागर खरड़ धीरज ठाकरे नामक दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू गड़ू को आज अचलपुर की जिला व सत्र अदालत द्वारा बड़ी राहत देते हुए चुनावी हलफनामे में अपने फ्लैट की जानकारी को छिपाने के मामले से बरी कर दिया गया। इस मामले में विधायक बच्चू गड़ू को चांदूर बाजार के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत द्वारा 2 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथ ही इस मामले को लेकर समूचे राज्य में उस समय अच्छा खासा हंगामा भी मचा था। चांदूर बाजार नगर पालिका के तत्कालीन भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे ने वर्ष 2017 में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के समय बच्चू गड़ू ने अपने नामांकन में अपने मुंबई स्थित फ्लैट की जानकारी का ब्यौरा नहीं दिया था। पश्चात यह मामला अदालत के सामने पहुंचा और मामले की सुनवाई करते हुए चांदूर बाजार के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत ने विधायक बच्चू गड़ू को 2 माह के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ विधायक बच्चू गड़ू ने अचलपुर के सेशन कोर्ट में अपील की थी, जहां पर द्वितीय न्यायाधीश रेहपाड़े की अदालत ने दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद विधायक बच्चू गड़ू को इस मामले से यह कहते हुए बरी कर दिया कि विधायक बच्चू गड़ू द्वारा चुनावी हलफनामे के दूसरे हिस्से में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा बराबर दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने विधायक बच्चू गड़ू को इस मामले से बाइज्जत बरी कर दिया। अमरावती जिले के 1728 में से 1146 गांवों में 3143 प्रगणकों द्वारा सोमवार तक प्रत्यक्ष काम शुरू कर दिया गया। वहीं अभी इस काम को पूरा करने के लिए केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में मनपा क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में सर्वेक्षण करने हेतु समयावधि मिलना बेहद आवश्यक रहने की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है। राज्य पिछड़ा वर्गीय आयोग के निर्देशानुसार जिले में 23 जनवरी से मराठा समाज के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके लिए 2 फरवरी की तिथि को डेडलाइन के तौर पर तय किया गया। हालांकि अमरावती जिले में 23 जनवरी से सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हो पाया था। पहले 2 दिन ऐप में रहने वाले तकनीकी दोषों के चलते पर्याप्त कामकाज नहीं हो पाया था। वहीं उसके बाद लगातार 3 दिन छुट्टियां रहने के चलते भी कामकाज काफी हद तक प्रभावित हुआ। इसके चलते 2 फरवरी तक यह सर्वेक्षण पूरा होना मुश्किल माना जा रहा है। अमरावती लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत राज्य के पुलिस महासंचालक कार्यालय द्वारा सभी पुलिस आयुक्तों व परिक्षेत्रीय विशेष पुलिस महानिरीक्षकों को तबादले हेतु पात्र पुलिस निरीक्षकों की जानकारी मंगाई गई थी, जिसके चलते विगत 4 वर्ष के दौरान एक ही स्थान पर 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके और अपने गृह जिले में नियुक्ति रहने वाले पुलिस निरीक्षकों की सूची तैयार की गई, जिसके उपरांत गत रोज राज्य के 130 पुलिस निरीक्षकों का तबादला किया गया, जिनमें अमरावती शहर आयुक्तालय के 10 पुलिस निरीक्षकों का अन्य जिलों में तबादला किया गया है। वहीं उनके स्थान पर अन्य जिलों से 10 पुलिस निरीक्षकों को तबादले पर अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में भेजा गया है। अमरावती पुलिस आयुक्तालय से बाहर भेजे गए 10 पुलिस निरीक्षकों में से अधिकांश पुलिस निरीक्षकों के तबादले नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय में हुए हैं। वहीं बाहर से आने वाले 10 पुलिस निरीक्षकों में से अधिकांश पुलिस निरीक्षक नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में ट्रांसफर किए गए। भारतीय रेलवे बोर्ड ने नरखेड़ रेल लाइन के चांदूर बाजार तथा मुर्शी के बीच के स्टॉप रिद्धपुर में ट्रेन को स्टॉपेज दिए जाने के निर्देश आज जारी किए। इस बारे में राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे द्वारा मांग उठाई गई थी, जिसे रेल मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड द्वारा मान्य कर लिया गया है। अमरावती शहर के पद्दीप के 3,95,00,000 रुपये अदा करने में मनपा प्रशासन द्वारा प्रतिसाद नहीं मिलने के चलते महावितरण द्वारा स्ट्रीट लाइट बिजली आपूर्ति खंडित किए जाने की संभावना निर्माण हो गई है। यदि ऐसा होता है तो रात के समय समूचे शहर की सड़कें अंधेरे में डूबी दिखाई दे सकती हैं। राज्य परिवहन निगम ने अमरावती जिले के 10 डिपो में सफाई ठेके की निविदा प्रक्रिया विगत माह से शुरू कर दी, जिस पर प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। पिछली कंपनी गोविंदा सफाई कामगार नागरिक सेवा संस्था को ठीक से काम नहीं करने के कारण हटाया गया है।
अधिकृत सूत्रों ने आज मंडल न्यूज को बताया कि नए ठेकेदार की नियुक्ति जल्द की जाएगी, तब तक रोजनदारी पर सफाई का काम करवाया जाएगा। एकात्मिक सड़क विकास योजना के तहत विधायक रवि राणा की निधि से बडनेरा रोड स्थित बेनाम चौक से नेमानी गोदाम तक सड़क का कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है। इसके तहत 4 लेन सड़क बनाई जाने वाली है। आज से इस रास्ते के रोड डिवाइडर पर लगे पत्थरों को JCB की सहायता से निकालना शुरू कर दिया गया है और अब जल्द ही कॉन्क्रीटीकरण का काम शुरू किया जाएगा। वर्ष 2022 में 30 अक्टूबर को राजेंद्र राज की जर्जर इमारत ढहकर हुए हादसे में मलबे के नीचे दबकर 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के लिए दोषी रहने वाले मनपा के अभियंता व राजेंद्र लॉज के मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था, परंतु अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने हेतु उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने विगत 11 जनवरी को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब राजेंद्र लॉज हादसे के दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस आशय की मांग उक्त हादसे में मारे गए रविंद्र परमार की पत्नी शिल्पी परमार द्वारा संभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त व मनपा आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में की गई है। साथ ही शिल्पी परमार ने अदालती लड़ाई में खुद को मिली जीत का श्रेय संभागीय आयुक्त निधि पांडे, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, सिटी कोतवाली के थानेदार वाक्से तथा शिवसेना ओबाटा के जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा दिए गए सहयोग को दिया। इसी मामले को लेकर शिवसेना ओबाटा के जिला प्रमुख सुनील खराटे का कहना रहा कि अदालत द्वारा राजेंद्र लॉज हादसे के दोषियों की अपील खारिज करने के बावजूद भी संबंधित महकमों द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, यह सीधे सीधे अदालत के अपमान का मामला है। यदि इस मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो शिवसेना द्वारा प्रशासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। वराड़ विकास परिषद के धनंजय तोटे द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि कल देश का आर्थिक बजट पेश होने वाला है। इस बजट में राज्य के विदर्भ क्षेत्र के लिए कई संभावनाएं, कई उम्मीदें हैं। अतः सरकार ने वराड़ कहे जाते विदर्भ क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। आयटक संलग्नित आशा व गट प्रवर्तक संगठन की ओर से जिला परिषद के सामने करीब 20 दिनों से बेमियादी धरना आंदोलन शुरू है। सरकार द्वारा वेतन वृद्धि करने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते आंदोलन को और अधिक तेज करने की चेतावनी आंदोलनकारियों द्वारा दी गई है। गुलिस्तान नगर स्थित मनपा उर्दू शाला क्रमांक 9 के मुख्याध्यापक जफरुल्ला खान पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए शाला व्यवस्थापन समिति द्वारा मनपा आयुक्त से मुख्याध्यापक खान का तबादला करने की मांग की गई। इसके साथ ही आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव किशोर बोरकर वज्जर स्थित आश्रम पहुंचकर शंकर बाबा पापलकर का पद्मश्री सम्मान मिलने पर अभिनंदन करते हुए सत्कार किया। अमरावती शहर के प्रतिष्ठित कोठारी परिवार ने बुजुर्ग नागरिकों को आनंददायी जीवन व्यतीत करने के लिए माडी रोड पर राजूरा गांव में ज्ञान शांति उपवन नामक अपनी तरह का अनूठा अत्याधुनिक वृद्धाश्रम बनवाया है, जिसका समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। इस समय ज्ञान शांति उपवन वृद्धाश्रम के संचालक ज्ञानचंद्र कोठारी, शांता कोठारी, आलोक कोठारी उपस्थित थे। आध्यात्मिक विचारधारा को लेकर देश भ्रमण पर निकली सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तथा राजपिता जी कत्रोज अमरावती में आगमन हुआ। साथ ही शहर के रूरल ग्राउंड पर संत निरंकारी मिशन की विचारधाराओं में आस्था रखने वाले लोगों को उन्होंने बीती शाम संबोधित किया। इस समय माता जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर प्राप्ति के द्वारा ही वैश्विक भाईचारे व शांति की स्थापना संभव है। राष्ट्र संत थुकलोजी महाराज विश्वविद्यालय में 37वें शतस्पंदन पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के छात्र अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर रहे हैं। इसी के तहत अमरावती स्थित संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय के छात्र मोहम्मद अफसार द्वारा गजल पेश करते हुए उपस्थित युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया गया। चांदूर बाजार पुलिस थाने के ठीक सामने आज दोपहर 1:30 बजे के करीब परसोड़ा गांव निवासी नितिन टिकाड़े नामक ऑटो चालक पर 3 युवकों द्वारा लोहे की रॉड व चाइना चाकू के साथ जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद ऑटो चालकों व पुलिस कर्मियों की सतर्कता के चलते ऑटो चालक नितिन टिकाड़े इस हमले में बाल बाल बच गया। चांदूर बाजार पुलिस ने इस मामले में अक्षय वानखड़े तथा मोहम्मद तनवीर शेख आबिद नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं शेख फहीम शेख नजीर नामक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वर्ष 2015 में जब विधायक प्रवीण पोटे पाटिल राज्य सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तब उन्हें अपना मामा बताते हुए चिछेड़ निवासी अमरदीप तेलखड़े ने हरिभाव तसरे के बेटे को पोटे के स्कूल में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन बाद में नौकरी दिलाने में असफल रहने पर पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया। इस मामले में हरिभाव तसरे द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर गाड़गे नगर पुलिस ने अमरदीप तेलखड़े के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया है। गतरोज गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राठी नगर में रहने वाले नायब तहसीलदार प्रशांत अड़सुले के घर में घुसकर 2 चोरों ने उनकी पत्नी जयश्री अड़सुले को चाकू दिखाकर डराते धमकाते हुए 81 ग्राम सोने के आभूषण व 10,000 रुपये नकद लूट लिए थे। दोनों चोरों की तलाश हेतु शहर पुलिस द्वारा व्यापक तलाशी अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत दोनों क्राइम ब्रांच की टीमों सहित सभी पुलिस थानों की DB टीम ऐसे कुल 10 टीमों को काम पर लगाया गया है। वहीं आज सुबह खुद शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने गाड़गे नगर पुलिस थाने में विजिट देते हुए मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का करीब आधे घंटे तक मार्गदर्शन किया, साथ ही इस मामले की जांच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को भी हासिल किया।
विगत दिनों खत्री कॉम्प्लेक्स परिसर में कुछ लोगों द्वारा किए गए हमले में बुरी तरह से घायल बडनेरा निवासी गौरव मोटवानी के खिलाफ पुलिस ने दूसरे पक्ष द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया था, परंतु हमले में गंभीर रूप से घायल गौरव मोटवानी की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई थी। वहीं अब गौरव मोटवानी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है, परंतु उसकी जांग पर लगा घाव ताजा रहने के चलते पुलिस ने फिलहाल उसे घर जाने की इजाजत दी है और उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोतवाली के थानेदार विजय वक्से ने मंडल न्यूज को बताया कि जैसे ही गौरव मोटवानी घर पर आराम करने के बाद चलने फिरने लायक हो जाएगा, वैसे ही पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। भातकुली पंचायत समिति के जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत 40 वर्षीय महिला कर्मचारी को आज सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। धारणी तहसील अंतर्गत गढ़गा मध्यम प्रकल्प के लाभ क्षेत्र जोन 2 व जोन 3 की बंद नली का वितरण प्रणाली का काम करने को लेकर ई निविदा के जरिए राज्य सरकार को अनुभव के बारे में फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने को लेकर सांगली तहसील निवासी सुभाष सूर्यवंशी के खिलाफ सरकार के साथ जालसाजी किए जाने का मामला दर्ज किया गया। लाही के महाप्रसाद का बहाना करते हुए 23 वर्षीय युवती को वरुण तहसील के मालखेड़ ले जाने के बाद वापस छोड़ने के बहाने खेत की झोपड़ी में ले जाकर 5 लोगों ने उस पर सामूहिक दुराचार किया था। इस मामले की जांच करते हुए सिंधुजना घाट पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अदालत में पेश करते हुए गुरुवार 1 फरवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया गया है। राहड़गांव स्थित मालीपुरा जूनी बस्ती में रहने वाले सचिन चर्जन को व्हाट्सएप के जरिए एक ऐप पर ज्वाइन होने के लिए कहने के साथ ही रकम निवेश करने पर आकर्षक रिटर्न मिलने का झांसा देते हुए उससे 30,41,000 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की गई। शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने कुछ मोबाइल नंबर धारकों व अलग अलग बैंकों के खाता धारकों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। गढ़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 35 वर्षीय महिला का पीछा करते हुए उसके सामने आपत्तिजनक मांग रखने और उसे अश्लील ढंग से छूते हुए उसके साथ धक्का मुक्की करने के मामले में गढ़गनगर पुलिस ने नितेश भटकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। यशोदानगर परिसर में रहने वाली 28 वर्षीय युवती के नाम फर्जी फेसबुक अकाउंट तैयार कर उस पर युवती के आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने व अश्लील मैसेज लिखते हुए उसकी बदनामी करने का मामला सामने आया। युवती की शिकायत पर साइबर पुलिस ने एक मोबाइल धारक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। गंभीर रूप से बीमार एक व्यक्ति के खेत व प्लॉट की बिक्री करते हुए 2 दलालों ने उससे मिली रकम उस व्यक्ति को नहीं दी, जिसके चलते पैसों को लेकर पहले ही परेशान रहने वाले ताराचंद मेश्राम नामक यशोदानगर निवासी व्यक्ति ने जहर घटक कर आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतक की बहन द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने सलीम खान व वली कलंदर खान नामक 2 लोगों के खिलाफ आत्महत्या हेतु उकसाने का मामला दर्ज किया। आज दोपहर गांधी चौक में 2 युवकों ने अपने हाथों में हथियार लेकर दहशत मचाने का प्रयास किया। कोतवाली थाना क्षेत्र में घटित इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, परंतु तब तक दहशत मचाने वाले दोनों युवक मौके से भाग चुके थे।